पागल व्यक्ति कुछ भी कह सकता है। कांग्रेस एक डूबता जहाज है और फिर जिसके कैप्टन राहुल गांधी हों, उस जहाज में कोई नहीं रुक पाएगा। ये सब क्यों गए? क्योंकि राहुल गांधी जी के जो नौकर हैं वो इनकी बेइज्जती करते हैं। हाँ, इतना जरूर है कमलनाथ जी की भी तौहीन बहुत हो रही है, उनको भी बेइज्जत किया जा रहा है। देखिए, डूबते जहाज पर कौन रुकना चाहेगा? कांग्रेस एक डूबता जहाज है और फिर जिसके कैप्टन राहुल गांधी हों, उस जहाज में कोई नहीं रुक पाएगा। छलांग लगा लगा के लोग भाग रहे हैं, और भी जाएंगे, चुनाव के बीच में भी बहुत लोग जाएंगे। जितने बड़े सीनियर नेता हैं कांग्रेस के, उनका सबका दम घुट रहा है, उनकी बेइज्जती हो रही है, उनका अपमान हो रहा है। राहुल गांधी जी के जो नौकर हैं वो उनका अपमान करते हैं। करुणाकरन की बेटी, सुरेश पचौरी, अशोक चव्हाण, ये सब बहुत बड़े नेता हैं। गुलाम नबी आजाद, ये सब बहुत बड़े नेता हैं। इनकी रगों में कांग्रेस का लहू दौड़ता था। लेकिन ये सब क्यों गए? क्योंकि राहुल गांधी जी के जो नौकर हैं वो इनकी बेइज्जती करते हैं। कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जो बड़े बड़े नेताओं की पार्टी थी, लेकिन अब कांग्रेस को नौकर चला रहे हैं, और वो नौकर बड़े बड़े नेताओं की बेइज्जती करते हैं, तौहीन करते हैं, अपमान करते हैं। कभी आप पूछिएगा कमलनाथ जी से, अकेले में पूछिएगा, दिग्विजय सिंह जी से पूछिएगा, आनंद शर्मा जी से पूछिएगा, गुलाम नबी आजाद साहब से पूछेगा, कपिल सिब्बल से पूछेगा, आरपीएन सिंह, जितिन प्रसाद, सुष्मिता देव, सुरेश पचौरी जी से पूछिएगा। मेरी बात पर यकीन मत करिएगा, पूछिए इन नेताओं से। ये सब वो नेता हैं जो इंदिरा गांधी जी के साथ रहे, राजीव गांधी जी के साथ रहे, सोनिया जी के साथ रहे। उनकी कितनी तौहीन होती है, इनका बड़ा दिल दुखी है। तो ये सब एक एक करके जा रहे हैं, और भी जाएंगे। आपको पार्टी से निकाल दिया गया, सुरेश पचौरी साहब कल बीजेपी में शामिल हो गए कांग्रेस छोड़कर, तो इस तरह के ऐसा क्या वजह है, क्या मानते हैं जो कांग्रेस को इंटरनेशनल पार्टी है और लोग छोड़ छोड़ के जा रहे हैं? कांग्रेस की बर्बादी के लिए सिर्फ एक व्यक्ति जिम्मेदार है, जिनका नाम राहुल गांधी है। जब तक राहुल गांधी कांग्रेस में है, तब तक इस कांग्रेस को कोई नहीं बचा सकता। कमलनाथ जी आपके पुराने साथी भी रहे हैं और सचिन पायलट साहब, और आप कब बीजेपी ज्वाइन करेंगे? ये तो कमलनाथ जी बताएंगे, या नड्डा जी बताएंगे, या मोदी जी फैसला करेंगे। हाँ, इतना जरूर है कमलनाथ जी की भी तौहीन बहुत हो रही है, उनको भी बेइज्जत किया जा रहा है। तो फैसला लेना उनके हाथ में है, वो अपना फैसला खुद करेंगे। बहुत सीनियर लीडर है मेरे, बहुत ही, मैं उनका सम्मान भी बहुत करता हूं। लेकिन जो दुर्गति हो रही है कमलनाथ जी की, मुझे लगता है उन्हें छोड़ देना चाहिए। भारत में रह करके सनातन के विरोध करने वालों के साथ कौन खड़ा होगा, कौन रहेगा? इसलिए लोग छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। राहुल गांधी जी कहते हैं कि मोदी झूठ बोलते हैं और मोदी जी की गारंटी झूठी है, तो क्या मानते हैं ये केवल चुनावी फंडा है, क्या है? देखिए, पागल व्यक्ति कुछ भी कह सकता है। बच्चा जो बालक हो और जो पागल हो, वो तो कुछ भी कह सकता है। बालकों की बातों पर और पागल व्यक्ति की बात पर कोई किसी को सीरियस नहीं लेना चाहिए।